50,000 में भाई ने किया सेल्टोस नई वाली मॉडिफाई कर दी। ये आपका 16 इंची मिल जाएगा आपको, जेन्युइन किया का रहने वाला है। सबसे पहले इस गाड़ी में लगा स्पॉइलर K4, इसमें एम्बिएंट लाइट लगी है। आप एक बार लुक देख लो, ये देखो 6 पीस वाली लगी है, 4 आपके दरवाजों पे, 2 आपके डैशबोर्ड पे। चांद डिजाइन में स्टीयरिंग रैप किया गया है, हमारे स्पीड भी सॉफ्ट टच कर दिया गया है। दीवा का इसमें सिस्टम लगा है, दीवा का लगा है 32। ये इसका बैक कैमरा, HD कैमरा इस गाड़ी में लगा है। किया का जेन्युइन एक्सेसरीज पे आपको जो भी चिपकाने वाले आइटम है उस पे 15% ऑफ। बढ़िया है भैया का काम, और हम लोग सबको रिकमेंड करते हैं कि वो यहाँ आए। अंकित भैया का व्यवहार, इनका जो टीम है, इनका जो स्टाफ है, वो बहुत डेडिकेटेड है। खाना नहीं खाया इन्होंने सुबह से, आज खाना भी नहीं खाया हुआ, लगातार काम पे लगे हुए हैं। जी राम राम सही भाइयों को, क्या हाल है भाइयों आप सबकी? उम्मीद करता हूँ बहुत ज्यादा बढ़िया होंगे। मन कार पे आया हुआ निकित भाई के पास, क्या हाल है निकित भाई? बहुत बढ़िया भैया, आप सबके प्यार की वजह से भाई मतलब सेल्टोस की भाई पे लाइन लगी पड़ी है कि नहीं भाई? आप लोगों का प्यार, ठीक है। तो आज फिर से एक और सेल्टोस आ रखी है, बेस मॉडल SGE, इसको टॉप बना रहे हैं बिल्कुल, है ना। तो निकित भाई क्या कुछ काम करने वाले हैं मैं? आपका पूरा लगभग एलॉय को छोड़ के, मेजर फोल्डिंग को छोड़ के, बाकी क्रूज को छोड़ के, बाकी जो भी बेसिक चीज़ें सारी वो आई है पंजाब से गाड़ी। पंजाब से स्पेशली गाड़ी आई है 500 किलोमीटर दूर से। तो कितना बजट बना है गाड़ी का? इसमें आपका लगा है आपका 50-60 के अराउंड है आपका, मतलब कम बजट में बढ़िया काम होने वाला है, ठीक है। आज तक जो आपने वीडियो देखी होगी 1 लाख रुपये के आसपास गाड़ियों का बजट बना था, लेकिन इसका 50,000 के आसपास बजट बना है। 50,000 में आप क्या काम करा सकते हैं, ये आज की वीडियो में पता चलने वाला है। बहुत शानदार वीडियो होने वाली है, एंड तक जरूर देखना। वीडियो शुरू करने से पहले नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जी भाइयों गाड़ी की तरफ हम आ गए हैं। सबसे पहले देख लो ये बेस मॉडल है SGE मॉडल, और उसके नीचे देख लो अलावी पड़ा हुआ है। अनिकेत भाई कितने इंची है ये आपका? 16 इंची मिल जाएगा आपको, जेन्युइन किया का रहने वाला है। 16 इंची जी बिल्कुल, ये देख सकते हो पूरा जेन्युइन आपका रहने वाला है। देख लो, देख लो जेन्युइन इसी आपका, इसी टायर में आपको लग जाएगा फिटिंग, स्टॉक टायर में लग जाएगा। अगर इससे अपग्रेड करना है 17 इंची भी आपको एक्सटेंड वाला मिल जाएगा आपको। मेन चीज ये है कि आपको टायर चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाकी 18 इंची मिल जाएगा, 18-17 सब मिलने वाला आपको, 16-17-18 तीनों मिल जाएंगे। प्लस मैंने आपको फोग लैम्प दिखाई दी, जेन्युइन फोग लैम्प, प्रीवियस वीडियो में हमने दिखाया आपको फोग लैम्प, वो भी बेजल के साथ, ठीक है। तो इस गाड़ी में अनिकेत भाई क्या काम हो रहा है? इसमें आपका फ्रंट से कुछ नहीं हो रहा, ठीक है, बेसिक काम से, म्यूजिक सिस्टम पूरा, इंटीरियर एम्बियंस लाइट, डैम्पिंग वगैरह सब एवरीथिंग। मतलब इसमें वो काम हो रहा है जो अंदर बैठने वाले को पता चले, ठीक है। अंदर से बताओ भाई क्या हो रहा है? बाहर से इसमें आपका डोर वाइजर, ठीक है, साइड बिडिंग, ठीक है, जेन्युइन किया का रहने वाला 15% ऑफ के साथ, डबल लेयर डैम्पिंग हो गई, गोल्डन सीरीज रहने वाली है, JBL का कंपोनेंट, हाँ डैम्पिंग हो चुकी है, हाँ जी डैम्पिंग हो गया, ठीक है JBL का आगे कंपोनेंट, पीछे कोएक्सल, ठीक है, फ्लोरिंग इसमें नहीं है, सीट कवर कस्टमाइज है, एवरीथिंग आपका कस्टमाइज रहने वाला, देख लो इंटीरियर हो रहा, हाँ इंटीरियर इसमें रहने वाला है, ब्लैक एंड बेज कॉम्बिनेशन, ब्लैक और बेज, प्लस एम्बिएंट लाइट, एम्बिएंट लाइट भी रहने वाला, मैंने आपका जीवा का 10.33 आपका 232 में कार प्ले आपका रहने वाला है, एंड्रॉइड 1 साल की वारंटी के साथ, 1 साल की वारंटी, और एंड्रॉइड एप्पल कार प्ले वायरलेस लेने वाला, वायरलेस है बिल्कुल। पीछे भी देख रहे हो डैम्पिंग इस गाड़ी में हो चुकी है, एथेंस की, JBL के, इसमें कोएक्सल लगा है, आगे कंपोनेंट कोएक्सल कॉम्बो लगा है, बाकी सीट कवर लग रहे हैं, फ्लोरिंग नहीं हो रही अभी, फ्लोरिंग इसमें नहीं हो रहा, बाकी सब चीज हो रहा है, क्रूज कंट्रोल, स्टीयरिंग कंट्रोल भी नहीं हो रहा, ठीक है, स्टीयरिंग रैप, हाँ इसमें सब चीज हो रहा है, डैशबोर्ड गैलियो का लगा दिया हमने, इसका रूफ रेल इसकी लग चुकी है गैलियो की, देख लो आप एक बार लुक देख लो, बाकी काफी सारे आपके पास ऑप्शन आए थे। देखो मैंने आपको इससे पहली वाली वीडियो में कनेक्टेड टेल लाइट भी दिखाई थी आपको, टेल लाइट भी मिल जाएगा अपने पास, ठीक है, हाँ जी, बाकी यहाँ पे बैक कैमरा लग रहा है, बैक कैमरा लगेगा बिल्कुल लगेगा, ठीक है, बैक कैमरा भी इसमें लगने वाला है, बाकी पीछे का डिफ्यूजर लगवा सकते हो, आगे का डिफ्यूजर लगा सकते हो, रूफ ब्लैक करवा सकते हो, ठीक है, 360 डिग्री कैमरा आप लगवा सकते हो, काफी सारे ऑप्शन है। पीछे से तो कुछ काम नहीं हो रहा इसमें? पीछे से कुछ काम नहीं हो रहा, पीछे से गाड़ी ऐसी है, मेन काम इसके इंटीरियर में हो रहा है, ये वर्किंग है, बाकी आपका बेसिक काम म्यूजिक सिस्टम और ग्रेडेशन है बस, दैट्स इट, और डैम्पिंग है, डैम्पिंग इस गाड़ी में हो चुकी है। तो लगभग 50,000 रुपए के आसपास इस गाड़ी में, इस गाड़ी का बजट आया है, तो एक बार काम हो जाए फिर आपको दिखाएंगे गाड़ी का फाइनल लुक। तो जी भाइयों फाइनली गाड़ी का काम कम्प्लीट हो चुका है। अनिकेत भाई एक बात बताओ मुझे, इस गाड़ी में जो काम किया गया आपने, इतने कम बजट में कैसे बेहतरीन काम कर दिया? 50-55 हज़ार के बीच में बजट था, सीट कवर इंटीरियर करना बस, मतलब मतलब 50,000 में भाई ने किया सेल्टोस नई वाली मॉडिफाई कर दी, मतलब मैंने तो सोचा नहीं कि इतने कम में भी मॉडिफाई हो सकती है, हो सकता है, और अगर कोई इससे भी कम लेकर के चल रहा है तो क्वालिटी पे डिपेंड करता है, इससे भी कम में हो जाएगा, इससे भी कम में हो जाएगा, क्वालिटी कम कीजिए रेट कम हो जाएगा। तो भाई फ्रंट में इस गाड़ी में क्या कुछ काम किया गया? इसका फ्रंट से कुछ भी नहीं किया, ठीक है, आप करवा सकते हो, प्रीवियस वीडियो देखिए, नॉलेजमेंट लीजिए आप, ठीक है, DRL लगवा सकते हो आप, ठीक है, सबसे पहले देख लो, पियानो ग्रिल करवा सकते हो, टॉप मॉडल जैसा LED चेंज करवा सकते हो,
फोक लैंप लगवा सकते हो आप, ओरिजिनल जेनवन किया गया, मैंने कई बार दिखाया है आपको, प्लस DRL लगा सकते हो टॉप मॉडल वाली, पियानो ब्लैक करा सकते हो, तो काफी सारे ऑप्शन है, और यहाँ पे 360 डिग्री कैमरा भी लगवा सकते हो, है ना। इस गाड़ी में फ्रंट से कोई काम नहीं होगा, फ्रंट से कुछ काम नहीं होगा, है ना। साइड से भी आपका डोर वाइजर लगा है, साइड से इसमें डोर वाइजर गैलियो का, ठीक है ठीक है, साइड बीडिंग लगा है आपका गैलियो, ठीक है, साइड बीडिंग लग गई है, तीन चीज लगी है, रूफ रेल, रेन वाइजर और नीचे का क्रोम, ठीक है, प्लस ये मिरर भी ऑटो फोल्डेबल हो जाएगा। बजट नहीं था ना तो मेन में आपको बता दूं, जिनका बजट कम है उनके लिए एक बढ़िया वीडियो होने वाली है, ठीक है। बाकी पीछे की तरफ अगर ले चलूं तो पीछे की तरफ इस गाड़ी में सबसे पहले इस गाड़ी में लगा स्पॉइलर, भाई स्पॉइलर देख लो आप, मैं अगर आपको पास से दिखाऊं ना तो ये देखो ये कुछ स्पॉइलर है, तो अनिकेत भाई क्या है कुछ बताओ उसके बारे में। ये आपका आफ्टर मार्केट पर ये शो बाजी है और कुछ नहीं है, बस ये है, बस थोड़ा दिखने में अच्छा लगता है गाड़ी, बस दिखने में अच्छा लगता है, बाकी यूज तो कुछ है नहीं इसका, यूज कुछ नहीं है, लेकिन लुक थोड़ा सही हो जाता है, देखो साइड से इतना कुछ बाहर है, पीछे से भी ऐसा कुछ लुक आया था, बाकी पीछे कनेक्टेड टेल लाइट आप लगवा सकते हो, जो कि मैंने टेल लाइट लगवा सकते हो प्रीवियस वीडियो में जाके देखिए, और जेन्युइन किया कि वो भी, और कैमरा लगा आपका, कैमरा इस गाड़ी में लगा, कैमरा किसका लगा है इसमें आपका, अल्ट्रा ऑडियो का लगा है, अल्ट्रा ऑडियो क्वालिटी बढ़िया है इसकी, बहुत बढ़िया, अभी चेक करा, HD है, HD रहने वाला, ठीक है। कैमरा मैं आपको अंदर तले दिखाता हूँ, फिर बाकी मैं इसके बूट में चलूँ, बूट में इस गाड़ी में कुछ भी नहीं हुआ, बूट लाइट लगा सकते हो, पार्सल ट्रे लगवा सकते हो, बाकी जो सामान चेंज हुआ या हुआ है। स्पीकर किसके लगे इसमें, ये आपका JBL का लगा है, JBL के इसमें कंपोनेंट, हाँ कंपोनेंट कोई एक्सल दोनों लगा है, ठीक है JBL का लगा है। बाकी अंदर चलते हैं, अंदर की तरफ आप हल्की हल्की झलक देख लो, इंटीरियर ऐसा कुछ लग रहा है, बाकी प्रॉपर आपको अंदर चल के दिखाता हूँ क्या कुछ लुक आया है। तो जी अंदर की तरफ इस गाड़ी में डैम्पिंग भी हुई है, देख लो ये आपको यहाँ पे एक सॉलिडपन दिख रहा होगा, यहाँ पे देखो बिल्कुल खोखलापन, तो डैम्पिंग से काफी बढ़िया फायदा हो जाता है, साउंड बढ़िया हो जाता है, बिल्कुल ये है आपका डैम्पिंग का बहुत सारे फायदे हैं, नॉइज कैंसिलेशन हो जाता बंद हो जाती है, एक दरवाजा हैवी हो जाता है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी हो जाती है, आप देखो दरवाजा खोलोगे ना हैवी हो गया, स्पीकर की क्वालिटी बढ़ जाती है, क्वालिटी बढ़ जाती है, और रोड नॉइज नहीं आती बाहर की आवाज, है ना। बाकी अंदर की तरफ मैं अगर ले चलूं तो भाई अंदर की तरफ सबसे पहले देख लो आप, एम्बिएंट लाइट लगी इसमें, एम्बिएंट लाइट कौन सी लगी है, MS K4 लगा है टेस्ला, एक साल की वारंटी के साथ K4 इसमें एम्बिएंट लाइट लगी है, आप एक बार लुक देख लो ये देखो, ठीक है। और आजकल के लोग क्या है, मतलब K3 से ज्यादा K4 लोग लगवा रहे हैं, बिल्कुल है ना, हाँ इसमें प्राइस में कितना फर्क है दोनों में, कम से कम 500-600 का डिफरेंस, ज्यादा फर्क नहीं है, 500-600 रुपए का फर्क है, और लुक बढ़िया होता है, कितने पीस वाली लगी है, छह पीस वाली लगी है, छह पीस वाली लगी है, चार आपके दरवाजों पे, दो आपके डैशबोर्ड पे, ठीक है। पीछे का भी लुक देख लो आप, ऐसा कुछ लुक आता है। बाकी इस गाड़ी में देख लो ये सॉफ्ट टच किया गया, इसका डोर पैनल में रहने वाला डुअल टोन ब्लैक और आपका बेज कलर, सिलाई इसकी देख लो सिल्वर धागे से देख लो, ऐसी कुछ फिनिशिंग है, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। प्लस इस गाड़ी में आप ऑटो फोल्डेबल और ऑटो एडजस्टेबल आउटसाइड मिरर करवा सकते हो, वो भी आपके पास ऑप्शन है। अंदर की तरफ सबसे पहले इस गाड़ी में देख लो आप, स्टीयरिंग रैप किया गया, चांद डिजाइन में स्टीयरिंग रैप किया गया, अनिकेत भाई स्टीयरिंग इसका बहुत शानदार रैप किया आपने, ठीक है। प्लस इस गाड़ी में काफी सारे ऑप्शन आते हैं आपको, जैसे इसके टॉप मॉडल में आता है सेम वैसा कर दोगे, बिल्कुल कर देंगे, जैसा बोलोगे वैसा कर देंगे। अच्छा तो इसमें क्रूज कंट्रोल अभी नहीं लगा, स्टीयरिंग कंट्रोल कुछ नहीं लगा, कुछ भी नहीं लगा है, बाहर सिर्फ इंटीरियर और म्यूजिक सिस्टम पे वर्क किया गया बस। म्यूजिक सिस्टम से पहले इस गाड़ी के सीट कवर देख लो आप, सीट कवर इस गाड़ी में थोड़े से अलग डिजाइन के, कुछ नई और यूनिक डिजाइन के करे गए हैं, बिल्कुल बिल्कुल। प्लस आर्मरेस्ट भी इसमें आपका इंटीरियर के डिजाइन के साथ मैच करी गई है। कितने वाले सीट कवर है अनिकेत भाई, वही अपना 8 साल वारंटी के साथ 95,000 9,500 रुपए के है, 8 साल वारंटी के साथ। और अगर कोई भाई क्या है कि कम से कम में मुझे चाहिए, कितने का सीट कवर मिल जाएगा, कम से कम 5,500 रुपए से बढ़िया वाले स्टार्ट है, 5,500 रुपए से आ जाते हैं, उसकी वारंटी है, वारंटी 3 साल की रहती है, 3 साल की रहने वाली है। प्लस इस गाड़ी का और सबसे बढ़िया वाले, सबसे बढ़िया वाला 20,000 रुपए, 20,000 रुपए का, उसकी तो वारंटी होगी जब 20,000 की है तो, कम से कम उसका लेदर राइट सीट कवर होता है ना, 50% लेदर वाली सीट कवर, 50%। बाकी ये भी सही है, रिंकल आपको नहीं दिखेगा, एक भी एक रिंकल दिख जाए तो कमेंट करो, वाला वेरिएंट में यही डिजाइन आता है, इसमें इससे ऊपर वाला वेरिएंट HD के, अच्छा सेम डिजाइन आता है, सेम डिजाइन, देखिए डिजाइन कुछ अलग है इसका, हां जी यही सेम और सेम क्वालिटी आता है उसमें, देख लो इधर वाला भी देख लो आप, प्रॉपर डिजाइनिंग है, इसमें कोई पसीना तो नहीं आता, क्या पसीना वसीना तो नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, वेंटिलेटिंग है ना, देख सकते हो परफोरेटिंग सीट कवर है, अच्छा इसमें आप देख रहे हो डॉट डॉट, हां जी ये थोड़ी हवा पास होती रहेगी, हां जी बिल्कुल बिल्कुल। आर्मरेस्ट देख लो, आर्मरेस्ट पर भी सॉफ्ट टच कर दिया गया है, फिनिशिंग चेक आउट कर सकते हो, देख लो प्रॉपर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें कहते हैं आर्मरेस्ट खुलवाने में कोई आवाज तो नहीं आती, कुछ नहीं आती है, देखिए प्रॉपरली काम कर रहा है, बस लॉक की आवाज है, कोई दिक्कत वाली नहीं। अंदर की तरफ मैं चलूं लेकर के, तो इस गाड़ी में सिस्टम लगा, सिस्टम किसका लगा है, जीवा का लगा है, 232 वाली आपकी जीवा का इसमें सिस्टम लगा है, हाँ जी मैक्सिमम मतलब जितने भी किया सेल्टोस देखे होंगे आपने सब में सेम सिस्टम है, हाँ जी बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो इसका कितने इंच का है, 10.33 एक्सल फिट जैसा है आपका, 10.33 इंच का मिलने वाला है। टॉप मॉडल में कितना आता है, टॉप मॉडल में आपका यही 9-10 बहुत होगा,
9-10 inches का आता है। हाँ जी ठीक है, तो देख लो इसकी स्पेसिफिकेशन क्या कुछ है। इसमें 232 रहने वाला है और 360 सपोर्टेबल है इसमें आपका। And, इन फ्यूचर आप इसमें 360 लगवाना चाहते हो तो लग जाएगा इसी में। अच्छा, इसमें फिलहाल अभी बैक कैमरा लगा है, वो भी मैं आपको चेक करा दूं। देख लो बाकी इंटीरियर देख लो, लेदर रैप के साथ, एम्बिएंट लाइट के साथ ऐसा कुछ इंटीरियर आता है। बाकी देख लो ये भी डबल टोन कर दिया, सॉफ्ट टच किया गया डबल टोन में। हाँ जी बिल्कुल, ये आपको थोड़ा सा कुछ नया दिख रहा होगा। मैक्सिमम लोग या तो खाली ये कराते हैं ब्लैक या फिर खाली बेज कराते हैं। इसमें डुअल टोन कर का लुक है जो कि लुक देखने में कुछ अलग सा लग रहा है। एम्बिएंट लाइट के साथ कैसा लग रहा है कमेंट करके बताओ यार, बढ़िया लग रहा है। बाकी अनिकेत भाई ये गियर नॉब भी चेंज कर दोगे? चेंज कर देंगे बिल्कुल। और क्या क्या इसमें ऑप्शन आते हैं? ऑप्शन इसमें आपको पियानो हो जाएगा आपका, ठीक है, ये पियानो ब्लैक करा सकते हो। वायरलेस चार्जर लग जाएगा इसमें, लगा दोगे? हाँ जी बिल्कुल लग जाएगा, ठीक है। व्हाइट से एलईडी हमने चेंज कर दिया इसमें आपका, ठीक है। आईआरवीएम ऑटोमेटिक ये भी चेंज हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ठीक है। बाकी तो कुछ रह नहीं गया, मतलब ऑलमोस्ट सारा ही काम कर दिया गया है बिल्कुल ना। आउटसाइड मिरर चेंज करा सकते हो, क्रूज कंट्रोल, स्टीयरिंग कंट्रोल भी आप लगवा सकते हो, सब कुछ ये। बाकी इसमें स्पीकर किसके लगे हैं? आपका JBL का लगा है, JBL के स्पीकर लगे, कंपोनेंट भी सीखे, कॉम्बो लगा है बिल्कुल। तो अनिकेत भाई एक बात बताओ, अगर कोई भाई आना चाह रहा है, एड्रेस बताओ। करोल बाग आना है, करोल बाग में अपना गुरुद्वारा रोड RBL बैंक के सामने, नियर बाय करोल बाग मेट्रो स्टेशन, करोल बाग मेट्रो स्टेशन के पास। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, RBL बैंक के ठीक सामने अनिकेत भाई की शॉप है। मेरा नाम लेके जा रहा, डिस्काउंट दोगे? बिल्कुल देंगे, ठीक है। और डिस्काउंट की बात चली है तो बताओ कितना परसेंट डिस्काउंट दे रहे हो? किया का जेन्युइन एक्सेसरीज पे आपको जो भी चिपकाने वाले आइटम है उसके 15% आओ, बेस टू टॉप करवाने पहले एक दो आइटम, चार पांच आइटम लीजिएगा तो उसमें ठीक है। ये भाई ने क्लियर कर दिया है, बाकी कोई और भी डाउट हो तो कॉल करके पूछ लेना, है कि नहीं भाई? हाँ जी। बाकी भाई अब चलते हैं कस्टमर से, उनसे जानते हैं गाड़ी का काम उन्हें सही मायने में कैसा लगा। तो जी भाई, जिन भैया की गाड़ी हमारे साथ, भैया क्या नाम है आपका? डॉक्टर रमन चावला है और हम लोग मथुरा से आए हुए हैं। अच्छा, तो भैया यहाँ के बारे में कैसे पता चला? अनिकेत भैया की आप वीडियो देखी थी आपकी? अच्छा, और वीडियोस आ रही हैं आपकी और कई तरीके की गाड़ियाँ आप मॉडिफाई करके दे रहे हो, बहुत जी अच्छा जी काम भी बता रहे हैं। जी जी, तो उसको ही रिव्यू करने के लिए हम लोग यहाँ आए हुए थे। आप नई गाड़ी लेकर आए हुए, सेल्टोस लेके आए हुए, ठीक है, और बेस मॉडल लेकर आए थे और बेस मॉडल को अनिकेत भाई ने बहुत बढ़िया तरीके से टाइम जरूर थोड़ा ज्यादा लगता है इस काम में, ये तो टाइम टेकिंग एक्टिविटी है। काम कैसा लगा आपको जनमन में? अनिकेत भैया का काम और अनिकेत भैया का व्यवहार दोनों चीजें ही बहुत अच्छी हैं। अब पैसे हम देने जा रहे हैं तो। अच्छा, तो अगर पैसे की बात आई है तो कितना खर्चा आया? कुछ ज्यादा खर्चा नहीं है, 85,000 रुपए के आसपास का खर्चा है। 85,000 रुपए के आसपास, मतलब लगा सेटिस्फाई कि जितना हमने खर्च करा उतना वर्थ है? बिल्कुल, काम वर्थ, ठीक है, बढ़िया। तो अगर कोई आपकी वीडियो देख के आना चाह रहा है, रिकमेंड करोगे? आ रहे हैं, हमने दो तीन लोगों को रिकमेंड भी कर दिया है। अच्छा, तो भाई देख लो अनिकेत भाई के पास। बाकी डिस्काउंट विस्काउंट कुछ दिया मेरी वीडियो देख के आए तो? आप बिल्कुल बिल्कुल, आपके चैनल को देख के, चैनल सब्सक्राइब भी मैंने कर रखा, ठीक है सर, तो देख के आए हुए थे और बढ़िया है भैया का काम और हम लोग सबको रिकमेंड करते हैं कि वो यहाँ आए। अनिकेत भैया का व्यवहार, इनका जो टीम है, इनका जो स्टाफ है, वो बहुत डेडिकेटेड है और खाना नहीं खाया इन्होंने सुबह से आज, खाना भी नहीं खाया हुआ, लगातार काम पे लगे हुए हैं। अच्छा, तो भाई देख लो आप आ रहे हो तो भैया के पास आना, ऐसा तो नहीं कि मैंने आपको कहा ऐसा बोलने के लिए? काम बोलता है, अच्छी काम बोलता है, बिल्कुल काम बोलता है। आप ये पूछो रहे कितने नंबर देने इनको, मैं 10 में से 11 और 12 ले लीजिए। आपको देख लो, भैया खुद ही कह रहे हैं उनको काम इतना बढ़िया लगा, ठीक है। तो आना हो तो भाई के पास आना। सुबह भी अनिकेत भाई की जो शॉप होती है वो 10 बजे खुलती है, लेकिन आज हम सुबह 9:45 बजे पहुंचे थे। अनिकेत अपनी स्कूटी लेकर 9 बजे क्रॉस कर गए थे। अच्छा, 9 बजे से शॉप खोल के बैठे हमारी वजह से, 9 से 9 हो गए अब शाम रात के, है ना, तो अब जाकर के काम हुआ है, बाकी काम बढ़िया हुआ है, काम बहुत अच्छा हुआ, ठीक है, बहुत बढ़िया काम है। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो जी भाइयों, ये था किया सेल्टोस में इस तरीके से काम करा सकते हैं। आप सोचोगे नहीं, 50,000 रुपये में इस गाड़ी का काम कर दिया, ठीक है, मतलब इतना कम में भी काम हो सकता है, ये केवल करोल बाग में अनिकेत भाई करते हैं। सिर्फ आप ऐसा नहीं है जो मैं रेट ये कुनमन कार पे आपको मिलने वाला है। मैं ऐसा नहीं है जो रेट कम ले रहा हूँ तो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है, गलत फहमी है आपको, ठीक है। काम जैसा जिसमें रेट में बात हुआ है, क्वालिटी जिसमें बात हुई है वही क्वालिटी लगाएंगे हम, बिल्कुल। आपको कस्टमर से भी मतलब पूछवा दिया, वो भी बिल्कुल फुली सेटिस्फाई है अपने काम से, तो इस तरीके से काम करा सकते हैं। अगर आपका कम बजट है तो 50,000 रुपए के आसपास में सारा काम होगा, डिसेंट काम होगा, इसमें हवाबाजी वाला शोशा वाला कोई काम नहीं। थोड़े एजेड सर हैं तो थोड़ा, मैम भी एजेड है, प्रिंसिपल है, और अपना कॉलेज का प्रोफेसर है, तो ये ज़्यादा शोशाबाजी कर नहीं रहते। बाकी जो गाड़ियों में होनी चाहिए रिक्वायरमेंट चीज़ होनी चाहिए वही काम हुआ है, बिल्कुल। बाकी इसके अलावा और भी कोई काम कराना चाहते हो, हाई एंड मॉडिफिकेशन भी आपको देख ही लोगी मेरे चैनल पर, तो कैसा लगा कमेंट करके बताना और आपको गाड़ी कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। फिर ऐसी प्यार बनाए रखो, सपोर्ट बनाए रखो।
मिलते हैं फिर किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।